जम्मू कश्मीर के वस्ती जिला गांधरबल के सतरना ए इलाके में नहर की मरम्मत न होने की वजह से मुकामी आबादी काफी परेशान है। लोगों का इल्जाम है कि मकमे आपाशी की नाअहली की वजह से इस नहर का पानी रिहायश पजीर मकानों में घुस जाता है और कहीं रिहायशी मकानात ज़ेर-आब है। ये नहर गुज़श्ता कई सालों से यहाँ कायम है लेकिन इसकी मरम्मत अभी तक नहीं की गई है, जिसकी वजह से इलाके में कायम बस्ती खूब ज्यादा रहती है। उन्होंने कहा कि नहर का पानी लोगों के आंगन बरामदे और कमरों में दाखिल हो गया है, जबकि उनके धान की जमीनों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हमने कई बार मुतलका महकमे के आला अफसरान से इस नहर की मरम्मत के बारे में बात की लेकिन महकमे ने तवज्जो ही नहीं दी। लोगों का मजीद कहना है कि उन्हें हमेशा इस बात का खदशा रहता है कि कहीं उनका रिहायशी घर गिर न जाए और वो उसकी जद में आ जाएं। कई लोग इसी खौफ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने एलजी गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि इस नहर की फौरी मरम्मत की जाए ताकि इलाके के लोग राहत की सांस ले पाए। आप देख रहे कंगन से वैली ऑनलाइन के लिए बेगर शाद की यह खसूसी रिपोर्ट। वैली ओस सुपिल वैली नाल यूजन आब ज्यादा गसन सो इस्त्रावन एसी ते ताचे प्राणवा डूर वना तायत बोंद सुत कोरी मो बांत तायत कोरु बांत सहला बोनु खेत गामस इशवा ताई बुचू पांत हेरते बनते तो अगर विकन सना स्टेजनरन ते आब बाकी जमीन छन मन गरीबन गुमत खत्म केल ते म स्टार से को ते मन येल आ बन्यो तो जमीन गोर हक एम सतन खत्म लिहाजा अस गुजारिश करन बेशा रिप्रेजेंटेशन अस करन से एडब्ल्यूएस ज सरपंच बे ओसस ब ये जो डिप्टी सरपंच ओस से अस कर ते मन अस ते मोदो पास 10 दोन डेढ़ लाइन दिस दुपन 10 दो ऐसा करे ओसी ठीक मगर कर रखने के रात को मैं जे सब ओसती फोन दुपन से आतिया करू दुपन अस करन ने मगर सती वन तुम अत गलत तिंद सुपरवाइजर वन गलत कह दोन हसा दमो इन पगह कंपनसेशन अगर ना आब ये कुस क्वेश्चन यह तुथ क्वेश्चन यह सो रिप्लाई जो जन एक्सेप्ट करो यह आब यह सुबह झन ना कहें ना वन शाम चूर पे गिजक नजर द्राय पे पे पीक ओवरस वा आब दिन तम सा ठेल त्रा ठेल मन थोड़ा ज्यादा पह बन इतना मा मिल जमीन लिहाजा कर दिन कंपनसेशन मन सूत गो जमीन खराब तिम गंपनसेशन मिलान गास वगैरह सारे मुआवजे युत गाम गुमत बसान लिहाजा कर सुपिल सतत मे खोर बना वो खोर पानी कह बस गि मे चारव योर बस चारव मकन आयस बोर अत अल बल वम यन पे अत आब आव तन पे रत गो वस आब कल झनमित यस रेत मन ना वो तहसीलदार ना इरीगेशन कह ना कोई कह नमदारी नासी नो नजर दिन अगर यम नजर दहान अस तपा अहन सा आम अत लेबरस वन ऐसा लगे ठेल तम ठेल तो विचार बोन दुनमत पे बिल्कुल यमो कोरमुत कहीं तकरीबन 5:30 बजे ये जो टूरिया काल है इसका ये नाला यहाँ से कट कर नीचे बस्ती में गया और वहाँ से मकान और पानी घुस गया और खेतों में भी घुस गया जिससे उनका ज़मीन भी तबाह हो गया। अगर ये नाला बंद नहीं किया जाए तो इसका एहतमाल है कि नजवन तक इरीगेशन जो पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा इसको बंद करने की ज़रूरत है, इसको कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। हमने पहले भी कहा है इसको बंद करो लेकिन किया नहीं, वो टस से मस्त नहीं होते, लिहाजा ये बात डी सी साहब तक पहुँचनी चाहिए और डी सी साहब इसकी कार्रवाई करें वरना वो सोए हुए हैं इरीगेशन वाले। इसके बाद इरीगेशन डिपार्टमेंट से नहीं नहीं कोई नहीं आया, बल्कि हम गए थे 10 दिन पहले वहाँ 7 तारीख को हम वहाँ गए थे, हमने रिप्रेजेंटेशन डाली है वहाँ, उसमें अकाल का सरपंच और निजवन का सरपंच और यहाँ का डिप्टी सरपंच और मैं वहाँ का और यहाँ का सरपंच। इस कनाल से तकरीबन 8 गाँव को खतरा है, जिसे आता है डुमका आता है, कांगक्षत्र आता है, बटपोरा आता है, कनमूला आता है, चक आता है, अकाल आता है, निजवन आता है। मुझे लगता है 10,000 लोगों का ये
روزی روٹی روزی چھن جائے گی اس سے۔